AAP has alleged laxity on the part of the Delhi police in investigating the murder of a 19-year-old girl, even as it stepped up demand to hand over the control of the law enforcing agency to the state government. कहीं उस लड़की को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उस पूरे हादसे के लिए, और मैं वर्बेटिम कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि लड़की ने प्रवोक किया था। मुझे बहुत शर्म आ रही है बात बताते हुए कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, जिनसे की उम्मीद की जा रही है, दिल्ली के लोग ये उम्मीद करते हैं कि अपराध कम होगा, अपराध रुकेगा, वहां इतना जघन्य अपराध हो जाए और उस जघन्य अपराध के लिए बजाय उसमें कड़ी कार्रवाई करने के, उस मासूम सी लड़की को ही अगर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश अगर पुलिस कमिश्नर साहब खुद करते हैं, तो इसमें आप लोग खुद सोचिए कि आज दिल्ली की पुलिस की हालत क्या है। मैं इतने लंबे चौड़े करियर में कभी इस तरीके से ना तो किसी पुलिस कमिश्नर को कहते हुए सुना है, और ना ही इस तरीके से इतने जघन्य अपराध पर इस तरीके से असंजीदगी का, असंवेदनशीलता का प्रमाण दिया गया है, क्योंकि ये वही पुलिस है जिसके बारे में संसद की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अपनी तीखी टिप्पणियां की है और कहा है कि दिल्ली के पुलिस को ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने की जरूरत है और साथ ही साथ उसकी सोशल ऑडिटिंग की जरूरत है। ये संसद की कमेटी करी, आम आदमी पार्टी नहीं करी, आम आदमी पार्टी की सरकार या आम आदमी पार्टी के नेता नहीं कह रही, ये संसद की, पार्लियामेंट की होम मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी वो कह रही है। अभी तक उस सोशल ऑडिटिंग के प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया, कहीं उसकी कोई जवाबदेही नजर नहीं आ रही। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरीके का वाकया दिल्ली के अंदर हुआ है, बजाय उसके अपराधियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला तथ्य है वो यह है कि इस FIR में ऊपर से सातवीं रो में सिर्फ एक शख्स का नाम है, एक भाई का नाम है जिसने चाकू मारा है, शनि। जो लड़की की मां है मीनाक्षी की, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, उनका वर्जन नहीं है, ये जबरदस्त लिखी गई FIR है। कहीं ना कहीं से साफ होता है, साबित होता है कि दिल्ली की पुलिस ने, आनंद पर्वत थाने से जुड़ी हुई पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं रिश्वत खाई है। पावर्ड बाय NNIS।